हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फॉल गाइस वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग फॉल गाइस क्रिएटिव में एक मैप बनाने वाले हैं और वो होने वाला है एक स्टंबल गाइस का मैप जो कि हम लोग फॉल गाइस में बनाने वाले हैं गाइस। और वो मैप होने वाला है गाइस हमारा हम्बल स्टंबल, क्योंकि सबसे इजी मैप मुझे वही लगा अभी के लिए, क्योंकि इसमें क्या है बजट वाला सिस्टम है। और मैंने उस दिन सुपर स्लाइड ट्राई किया तो भाई मेरा बजट तो आउट हो रहा था और ऊपर से वो स्लाइड बन ही नहीं रही थी, ऊपर से वो टेढ़ी मेढ़ी घुमानी भी है, तो वो ज़्यादा एडवांस हो गया था। इसलिए अभी हम लोग हम्बल स्टंबल से चालू करते हैं आज। और जिसने हम्बल स्टंबल मैप नहीं देखा है, मतलब देखा तो हो गई, तब भी एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये देखो, ये स्टंबल का ऐसे गाइस, और ये मैप कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर कुछ ट्रैम्पोलिन्स आएंगी, उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे कुछ उल्टे एरो और ये डब्बे आएंगे। ये डब्बे अब फॉल गाइस में नहीं होंगे मुझे लगता है, तो कुछ और लगाना पड़ेगा। और साथ ही में इधर एक वॉल भी है आगे, जिससे कि एक ट्रिक हमारी कम हो जाती है। उसके बाद ये आगे जो बहुत ही फेमस ऑब्स्टिकल है, ये तो फॉल गाइस में भी है, ये मैं लगा दूंगा, उसके बाद हमारा राउंड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो साइड वाला है ना, यहाँ से हम लोग कूद सकते हैं क्या? क्योंकि यार फॉल गाइस में ना ये थोड़े बड़े बड़े रहते हैं और इतना दूर कूद पाता नहीं है। स्टंबल गाइस में तो वैसे कूद रहा है, उसमें मुझे देखना पड़ेगा कैसे लगाना है। तो गाइस स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा बनाना है कि थोड़ा आगे तक चले, है ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम लोग चालू नहीं कर सकते, तो थोड़ा आगे तक चलवाएंगे। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को बना देता हूँ। पहले रुको यार, यहाँ पे एक ब्लॉक रह गया मेरा, इसको हल्का सा बना के इतना हो गया है ना। अब इसको हम लोग आगे से पतला कर देंगे, क्योंकि हम्बल स्टंबल में यही होता है ना शायद कि आगे जाके पतला हो जाता है, उसके बाद तीन साइड आती है ट्रैम्पोलिन में कूदने की। तो इसको मैं इतना लंबा कुछ कर देता हूँ, हाँ इतना सही रहेगा वैसे। अब चाहिए गाइस हमें ट्रैम्पोलिन, जिससे कि बंदा कूद सके। और ट्रैम्पोलिन के लिए देखो इधर क्या क्या ऑब्स्टिकल है हमारे पास गाइस, इधर बहुत लिमिटेड ऑब्स्टिकल्स हैं। ये वाले तो वैसे ऑब्स्टिकल नहीं है। ये क्या है? ये वॉल है। ये क्या है? बम्पर ब्लॉक, लेकिन ये ब्लॉक है ना। ये क्या है? ये स्पीड बम्प है, मुझे लगा ट्रैम्पोलिन है। ये नहीं गाइस, देखो ये वाला ऑब्स्टिकल तो मिल जाएगा हमें गोल वाला, लेकिन अभी ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन यहाँ पे दिख ही नहीं रही, हाँ ये हो सकती है, लेकिन ये तो टाइमिंग वाली है। हाँ ये रख सकते हैं गाइस, ये ड्रम मुझे लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं है, तो ये ड्रम ही रखना पड़ेगा। अब इस ड्रम की जो जंप हाइट है वो मुझे मालूम नहीं कितनी है, तो ये हम लोग को बाद में टेस्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बीच वाली लाइन में तीन रखने हैं और साइड में दो, है ना, लेफ्ट और राइट। एक तो यार सीध समझ नहीं आती, इन लोग को ना एक स्केल टाइप में देना चाहिए था, उससे मालूम तो रहेगा कि सीधे में रख रहा हूँ कि नहीं। टेढ़े पेढ़े रखेंगे तो फिर मतलब ही क्या है यार, लोग बोलेंगे यार कैसा बना दिया। इसलिए हमें ढंग का बनाना है, तो सीध सीध में रखना पड़ेगा। अब सीध मुझे इसको बीच में रख के मैच करना पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं लग रहा है। ये देखो आगे जाते जाते तो टेढ़ा हो ही जाता है, ठीक है अभी के लिए रखते हैं, बाद में माइनर एडजस्टमेंट कर देंगे। साइड के मैंने दो रख दिए, यहाँ पे तीन हो जाएंगे। अभी ये भी चेक करना पड़ेगा ये कूद पाएगा कि नहीं इतनी दूर दूर, क्योंकि फॉल गाइस में उतनी लॉन्ग डाइव है नहीं ना। ये लो गाइस, ये तो मैंने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हो गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 ट्रैम्पोलिन हो चुके हैं। अब हमें आगे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, यही वाला बना देते हैं ब्लू वाला, क्योंकि इसके अलावा कुछ है भी नहीं। कलर चेंज नहीं होता क्या इसमें? इतना काफ़ी रहेगा ना, क्योंकि इसके बाद शायद साइड में हमें दो प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे जिस पे वो डब्बे रखे रहते हैं, है ना, फिर वो डब्बे अंदर बाहर आएंगे, लेकिन वो डब्बे तो इसमें होंगे ही नहीं। उसके अलावा हम लोग क्या रख सकते हैं गाइस, देखता हूँ मैं। ये क्लाउड व्लाउड तो नहीं आएगा। ये देखो ये हैमर है, ये हैमर है, ये भी नहीं। डब्बे जैसा कुछ नहीं है गाइस इनके पास, देखो आगे पीछे कुछ नहीं है। बस ये जो पंच है ना, ये थोड़ा डब्बे जैसे काम कर सकता है, क्योंकि ये पंच अंदर बाहर आएगा, वही लॉस्ट टेम्पल वाला, तो ये शायद से हम रख सकते हैं अंदर बाहर आने के लिए। प्लेटफॉर्म बना दिए मैंने दो, इसके ऊपर अब वो पंच रखने, अब वो पंच देखते हैं कितना बड़ा आता है, मेरे को तो आइडिया है नहीं। अरे इतना सा है क्या? ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है यार, मुझे लगा था कि बहुत बड़ा आएगा, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, इसलिए मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन ये तो छोटा सा है। इसको अब रोटेट करते हैं अंदर वाली साइड के लिए ना, तो वहाँ से एक और यहाँ से एक, दो पंच हो जाएंगे हमारे पास। ये प्लेटफॉर्म्स को मैंने छोटे कर दिए गाइस, ठीक है ना, तो इससे जगह भी बच रही है और बहुत बड़ा लग रहा था वो, ठीक है। इतना ठीक है, थोड़ा सेंटर में, वैसे ये नहीं भी रखूँ तो सही रहेगा, लेकिन किसी के ऊपर रखा रहेगा तो थोड़ा लॉजिकल भी लगेगा। अब चलते हम लोग आगे, आगे हमें वो एरो लेना है ना, जो पीछे चलता हुआ एरो रहता है ना स्पीड कम करने वाला, वो अब वो ढूंढना पड़ेगा मुझे, वो कहाँ मिलेगा पता नहीं, इस वाले कैटेगरी में तो नहीं लग रहा है। हाँ ये रहा, मिल गया, ठीक है। और ये बहुत बड़ा लग रहा है,
अच्छा ये वाला हो सकता है, हाँ ये बीच वाला सही है, तो ये हमें उल्टा लगाना है ना। अच्छा ये इसके, अरे यार गाइस ये तो ऊपर रख रहा है यार, इसके ऊपर रहेगा तो फिर तो यार वो कूदना पड़ेगा। नहीं गाइस बीच में नहीं आता क्या, मर्ज नहीं होता? ओ नहीं यार, अब मुझे ये पूरा प्लेटफॉर्म हटाना पड़ेगा यार इसके लिए तो, क्योंकि मैंने तो पहले से बना के रख दिया था। उस प्लेटफॉर्म को हटा के यहाँ पे ये एरो रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर रख देते हैं इसको, ठीक है, और अब बस इसको रोटेट कर देते हैं उल्टी साइड, है ना। ऐसा मुझे आगे एक और रखना पड़ेगा, और जितना मुझे याद है हम्बल स्टम्बल के बीच में गड्ढा भी रहता है, तो वो गड्ढा भी हमें रखना पड़ेगा कहीं पे। फिर वो गड्ढे के आगे दो पंच और रख दूंगा। ये जो साइड में नीचे चलने की जगह रहती है, आपने देखा है जो डब्बे आते हैं और साइड से भी हम लोग जा सकते हैं, तो ये मैं वो बना रहा हूँ नीचे से चलने की जगह रहती है बीच वाले में, और इधर ही एक बीच में गड्ढा रहता है ना, तो वो रखना है हमें। प्लेटफॉर्म हटाओ गाइस, मैंने तो डायरेक्ट ही हवा में रख दिए दोनों को, क्योंकि मतलब है नहीं प्लेटफॉर्म रखने का, वो हवा में भी रखा ही रहे, ठीक है, तो दोनों साइड रख दिए। अब ये पंच मेरे को ये भी देखना कितनी दूर आता है यार, मेरा वो बड़ा नहीं हो जाए प्लेटफॉर्म, वैसे बड़ा भी हो जाएगा तो दिक्कत है नहीं, नीचे से जा सकते हैं, और इतना कोई मुश्किल राउंड है भी नहीं हम्बल स्टम्बल, तो इसमें भी हमें इतना मुश्किल बनाना नहीं है। अब बस आगे यहाँ पे क्या रखना था, ये रखने के बाद आगे शायद हाँ एक और एरो आएगा ना, रुको एक सेकेंड, ये हो गया हमारा दूसरा एरो और इसके दो पंच, है ना, और ये लास्ट है। इसके बाद हमें बीच में एक वॉल लगानी पड़ेगी। ये पंच तो मेरे हो गए सेट, ये बन गया हमारा आगे का प्लेटफॉर्म गाइस, जो उसके आगे रहता है, बीच में थोड़ी चलने की जगह दी है मैंने। अब इसके ऊपर हमें वॉल लगानी है, तो वॉल ढूंढते हैं हम लोग पहले कि हमें वॉल कहाँ मिलेगी। चलो यहाँ मिल चुकी है, और सेटिंग पॉइंट भी बहुत अच्छे से रखा है इन लोगों ने, है ना, तो हमें बीच में रखनी है थोड़ी आगे वाली साइड, नहीं ये वाले पॉइंट पर रख के इसको सीधा खींच देते हैं, यहाँ तक नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, बंदे बीच में से नहीं आ सकते एरो वाली साइड से, वैसे आ भी सकते होंगे, इतनी ऊंची वॉल लग नहीं रही। अब हमें सेट करने हैं गाइस 1 2 3 4 5 6 रोटेटिंग बीम, और दो बीच में दो साइड में आगे पीछे, है ना। ये लो गाइस ये हमारा लग गया ऑलमोस्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ना जो साइड वाले तो बहुत दूर लग रहे हैं यार, वैसे हम्बल स्टम्बल हम लोग डायरेक्ट साइड वाले में भी कूद सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ से तो मुझे कोई चांस लग ही नहीं रहा कूदने का। सेट करते हैं अभी, तो पहले फिनिश लाइन लगाता हूँ आगे। ये हो गई हमारी फिनिश लाइन गाइस, और इसके आगे का थोड़ा चलने का प्लेटफॉर्म, बस यहाँ तक हो जाएगा, थोड़ा यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा वो जंप लगा के आराम से। लेकिन ये जो साइड वाले हैं रोटेटिंग बीम, इनमें से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी आ सकता है कूद के। एक बार प्ले टेस्ट करूँगा मैं, बाकी थोड़े माइनर एडजस्टमेंट्स कर देते हैं गाइस। एक चीज़ मुझे अभी समझ में आई कि यहाँ पे ना एक चेक पॉइंट भी लग सकता है। अब चेक पॉइंट लगाना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना चेक पॉइंट के लोगों को स्टार्टिंग से चालू करना पड़ जाएगा अगर गलती से गिर गए तो, इसलिए चेक पॉइंट में लगा दे रहा हूँ। लेकिन यार ये जो चेक पॉइंट है ये इन लोगों ने यार बराबर क्यों नहीं रखे यार, जैसे प्लेटफॉर्म है वैसे चेक पॉइंट रखने चाहिए थे ना। अब चेक पॉइंट मुझे बड़ा लग रहा है, प्लेटफॉर्म छोटा लग रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे एक लगा देते हैं एरो के जस्ट आगे, लेकिन यार यहाँ पे वॉल हट गई हमारी, और पता नहीं चेक पॉइंट के ऊपर वॉल लगेगी कि नहीं। और ये थोड़ा आगे लगा दिया मैंने, और हमारा मैप जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार खेल के देखते हैं और समझते हैं कहाँ कहाँ पे हमें माइनर चेंजेस चाहिए, ठीक है, तो प्ले करके देखते हैं गाइस। अच्छा बिल्डर वाली स्किन में आता है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा इन ड्रम से, और बढ़िया जंप तो दे रहा है यार, हाँ ठीक है गाइस एग्जैक्ट लगा है मैंने, ठीक है ना, और साइड वाली से जा सकते हैं। अरे यार ये थोड़ी हाइट में लगा दी लग रहा है मैंने, हाँ गाइस ये थोड़ी हाइट पे लग गए, तो एक बार आगे आ गए तो पीछे नहीं जा सकते, ठीक है इसको बाद में चेक करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं पंचेस से, पंचेस तो बढ़िया लगे हैं, साइड से निकलने की अरे यार जगह है थोड़ी सी, लेकिन भीड़ इतनी रहेगी कि सब साइड से नहीं जा पाएंगे, तो शायद कोई ना कोई तो टकरा ही जाएगा। अब पंच का साइज तो मैं बढ़ा सकता नहीं हूँ, इसलिए अब यही करना पड़ेगा। आगे आते हैं हम लोग अब रोटेटिंग बीम में, रोटेटिंग बीम में ज़्यादा दूर तो नहीं है ये, वैसे लग तो रहा है मुझे, देखते हैं। और ये बहुत ज़्यादा दूर है गाइस, ये तो कहीं से नहीं पहुँच पाएगा, एक और बार चेक करके देख लेते हैं, ज़्यादा दूर लगा दिया यार मैंने फिर से गाइस, एक बार और ये कहीं से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से हम बिल्ड करते हैं इसको, थोड़ा पास कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने हर चीज़ पास कर दी गाइस, फिनिश लाइन को भी और पास कर दिया है, ठीक है। अब ये रोटेटिंग बीम तो मुझे सही लग रहा है ना, हाँ अब पास है गाइस, अब पास है, अब बहुत पास है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और इससे हम लोग साइड वाले में भी कूद सकते हैं, बस साइड वाले से आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दूर है वो, तो आपको बीच में से जाना पड़ेगा। इधर एक हमारी वॉल लगा देते हैं, वॉल तो आराम से लग जाएगी, ठीक है यहाँ पे हो गई। अब यहाँ से कोई आराम से आ नहीं पाएगा,
और ये ड्रम्स भी बहुत ज़्यादा दूर है गाइस, बहुत ज़्यादा साइड वाले तो कूद ही नहीं पाएगा कोई। इन सबको भी पास करता हूँ और इतना करता हूँ कि आराम से एक से दूसरे में चले जाए और नीचे भी कर देते हैं ना, क्योंकि नीचे रहेगा तो ज़्यादा जंप की हाइट मिल जाएगी बंदे को। अब चेक करके देखते हैं, अच्छा यहीं पे स्पॉन हो गया क्या, ठीक है यहीं से कूद के चलते हैं गाइस। ये देखो यहाँ से हो जाएगा, हमें जाना है पीछे। अरे थोड़ा दूर लग रहा है लेकिन आ गया आराम से, वैसे आगे से जाएंगे तो आराम से आ ही जाएगा है ना। एक और बार ट्राई करते हैं, ये आया। हाँ ठीक है गाइस, फॉरवर्ड मूवमेंट में तो इतना मुश्किल है नहीं, कोई भी आ सकता है आराम से। हाँ बस ये वाला थोड़ा ऊपर लग रहा है मुझे आगे का, इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। कोई कोई से ऊपर नीचे हो गए, ये लोग को स्केल देना चाहिए यार सारे बराबर करने के लिए। ठीक है गाइस, तैयार हो गया हमारा मैप मुझे ऐसा लग रहा है। देखो स्टार्टिंग से आओगे आप ऐसे ट्रैम्पोलिन से या ड्रम से कूदोगे, ठीक है आराम से निकल जाओगे। फिर आप आओगे पंच के पास, पंच में आप एरो से भी निकल सकते कूद के, थोड़ा स्लो होएगा लेकिन निकल जाओगे है ना। ये भी मतलब उतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे से आ ही सकते हो आराम से, फिर ऊपर आए, वॉल से तो जा नहीं पाओगे तो इसलिए यहाँ से आ जाना, और ये हो गया ठीक है। अब आओगे आप लोग रोटेटिंग बीम पे, चेक पॉइंट आपको मिल जाएगा। रोटेटिंग बीम से पार करोगे, आगे से भी जा सकते हो साइड से भी जा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको बीच में जाना पड़ेगा। हमारे राउंड का नाम रहेगा गाइस हम्बल रंबल, क्योंकि हम्बल स्टम्बल पे तो पकड़ लेंगे लोग, तो हम्बल रंबल रख देते हैं। इसमें भी थोड़ा समझ में आ ही जाएगा, ऑडियंस जो खेलती होगी तो वो लोग ज़्यादा खेल सकते हैं शायद से। मैक्स प्लेयर काउंट 40 रख देते हैं, फर्स्ट राउंड में आएगा तो बढ़िया भी रहेगा। थोड़ा छोटा है फॉल गाइस के मैप्स के हिसाब से, लेकिन भाई यही तो हमारा टर्न एंड ट्विस्ट है। अब ये क्या है भाई, टेस्ट रन लेना पड़ेगा लग रहा है, तो ये थोड़ा स्लो स्लो करेंगे ताकि बाकी जो न्यू प्लेयर्स है उनको थोड़ा टाइम लगेगा ना, पता चले मैंने 30 सेकंड में कर दिया और फिर ये 30 सेकंड ही राउंड का टाइम रख दे तो बाकियों के लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो ही करते हैं। यहाँ से आएंगे आराम से यार, वैसे ये पंच यार उतना बड़ा है नहीं, मुझे या तो प्लेटफॉर्म छोटे करने थे, लेकिन ठीक है भीड़ में समझ नहीं आएगा किसको समझ में आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, ऐसे रखने थे, हाँ यार सही है ठीक है। आगे आई ये देख लो, यहाँ से आए अभी तक 30 सेकंड ही हुए, पूरा आ ही गया हूँ मैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी आ गए ठीक है। इसके बाद बीच में से जाएंगे, जो भी अच्छा प्लेयर है वो बीच में से जाएगा, एक बार में समझ ही जाएगा। नए नए लोग थोड़े साइड से आ सकते हैं, और ये हो गया लोग कंप्लीट, और ये आ गए अंदर। बस फोटो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है यार, और चेंज करने का ऑप्शन दिख नहीं रहा, मतलब जो वर्स्ट पॉसिबल फ़ोटो थी ना वो लगा दी इन लोगों ने, थोड़ी सामने से एंगल लगा देते तो भी लोग को समझ में आ जाता यार। ठीक है गाइस, तो राउंड मेरा हो चुका है पब्लिश, और इसका शेयर कोड है 9673346932। ये आप डालोगे तो आपके सामने आ जाएगा हम्बल रंबल, और आप खेल सकते हो मेरे राउंड को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी फॉल गाइस और स्टम्बल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले फॉल गाइस की वीडियो देखनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।